अंदर करना है, बाद में कर सकते हैं। अंदर बाद में कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, पाँच छः मतलब सात आठ कर दूंगा मैं। प्रिंस भाई, शुरुआत करना चाहूँगा, आपने जब से एंट्री की है लॉकअप शो में कोई अलग ही चांद सितारे आ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से देखते हो? जब मेरे को ये शो ऑफर हुआ था तो करण ने मेरे को बोलता कि यार मैं बाहर से गेम खेल रहा हूँ, अंदर से खेलने वाला कोई नहीं है क्योंकि सब एक साथ खेल रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ जाना है। एंड ऊपर से एक तो मैम को मना नहीं कर सकते, तो मैं कंटेस्टेंट नहीं था, पर मैंने कंटेस्टेंट बिलीव कराया कि मैं खिलाड़ी हूँ। मैं खिलाड़ी नहीं था, मैं सिर्फ उनकी गेम बदलने आया था, गेम को ऊपर करने आया था, क्योंकि मेरे को पता है गेम कैसे खेली जाती है। तो वही मैंने किया, सबको इंडिविजुअल किया ताकि सबकी गेम बाहर आए, और जो हम हमेशा से करते हैं धमाल मचाते हैं वो मचाते हैं। आपको क्या लगता है आपके आने के बाद सबसे अच्छी गेम किसकी बाहर आई आपके आने के बाद? हाँ, सभी की गेम बाहर आई है। साइशा की गेम अच्छी हुई, अंजलि की गेम अच्छी हुई, मुनावर की मैंने और डिफिकल्टी के साथ और अच्छी करी, तो सब पे मैंने मेहनत करी थी, सबके लिए मैंने मेहनत करी थी, क्योंकि मैं जहाँ से बाहर से शो देख के आ रहा था सब मेहनत कर रहे थे पर दिख एक ही रहा था, तो मुझे था कि ये फेयर नहीं है, एटलीस्ट विनर कोई भी हो पर दिखने सब चाहिए। तो मेरे अंदर आके गेम यही थी कि अपने आप को नॉर्मल दिखा के कि मैं कंटेस्टेंट, उसके साथ साथ इनकी मैं गेम बदलूँ, और वो मैंने बदलू। तो सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था सर आपका? बेस्ट मोमेंट अभी था जब मुनावर ने ट्रॉफी दी। सर करण सर आए तभी बहुत सारी चर्चा हुई, तेजस्वी जी भी आए, क्या कुछ कहा उन्होंने, कुछ ऐसी बातें की जो बाहर से कुछ कहा आपसे? बाहर की मैंने कोई बात पूछी नहीं, ना मैं पूछता था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अंदर हूँ, भी अंदर की बात मुझे ज़्यादा जाननी चाहिए, और क्योंकि बाहर की जब कितनी बातें सुनो तो माइंड डाइवर्ट होता है कि क्या चल रहा है। तो मुझे था कि जब तक इस घर में हूँ, मैं अपना काम करने आया हूँ, मैं काम करके जाऊँगा। इस शो ने अगर मुझे भरोसा दे के बुलाया है तो ये शो को नंबर वन शो बनाने से नहीं रोक सकता। मुनावर की गेम आप सबसे ज़्यादा क्लोज आपने ही देखी है, किस तरह की गेम उनकी लगती है? बहुत दिल का आदमी है यार, जिससे बहुत कुछ हुआ होता है लाइफ में, स्ट्रगल हुआ होता है, वो जब शो ऐसा कुछ मौका मिलता है दिखाने का तो वो पूरी दुनिया के सामने दिखा पाता है कि वो कितना सच्चा इंसान है। और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा हमारी दुनिया को कि हम बहुत जल्दी किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और दूसरी साइड की स्टोरी हमें नहीं पता होती, तो वेट करा करिए कि कोई स्टोरी बाहर आए, दूसरी साइड की भी स्टोरी वापस आए, तो उसके बाद आप बोलेंगे। जीशान का जो इवेक्शन हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो बहुत सडन था, हीरो का मूवमेंट, उससे वो गलती हो गई थी, और वो गलती होती है, हर इंसान, हम हमारे में कितने इमोशन, हम भी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, वो बुरा इंसान थोड़ी है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत प्यारा इंसान है, तो गलती हुई थी, उसने माफ़ी भी मांगी, उसकी सज़ा मिली उसको, शो से बाहर चला गया। सर, डू यू थिंक जीशान शुड डिजर्व अनदर चांस टू गेट, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? ये देखो क्या है कि हम गलत मैसेज नहीं भेज सकते, हमारे इंडिया का रूल है कि कोई भी हिंसा नहीं कर सकता, हिंसा के लिए वो बाहर गया था, बट मैं फिर बोल रहा हूँ ना, मैंने शो में ही बोला कि वो बुरा इंसान नहीं, वो अच्छा इंसान है, और शो के लिए जो भी बेनिफिट है वो ये। लेकिन आप वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों गए? मैं कंटेस्टेंट नहीं था सर, आपको सुना नहीं ना, कंटेस्टेंट भी आप गए लेकिन क्या जरूरत है आपको? सर, मेरे लिए, मेरे को लगता है शायद आपने देखा नहीं, मेरे को टेम्पटेशन मिली थी कि अगर मैं इस शो में अच्छा करके जाता हूँ तो मैं और इनके शोज कर रहा हूँ, जो बहुत जल्दी अभी आपको मैं बता दूंगा, आपको मिल रहा है। यस, तो उसके लिए आया था, और मेरे को लगता है चैलेंज बहुत पसंद है, जब मुझे लगता है कि रियलिटी की बात होती है तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर रियलिटी है, तो मुझे जब भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो मैंने उसको निभाया, और मेरे लिए कोई काम नया पुराना और छोटा बड़ा नहीं है, मुझे लगता है कि ये सुपर हिट शो है और हम सब ने मिलकर इसको बनाया, आप सब ने इसको मिलकर बनाया, दैट्स अ रीज़न। कंगना जी के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह की थी, क्या कुछ इंटरेक्शन हुआ? बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और कंगना मैम बहुत ही प्रोफेशनल है, जब भी स्टेज पे आते हैं वो बहुत ही तरीके से बात करते हैं, सबसे सबको मोटिवेट करते हैं। खतरों के खिलाड़ी में आप जाने वाले? नहीं यार, अभी मेरे को वो नहीं पता, पर मैं वैसे थैंक यू गाइस, थैंक यू।